हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल जुगाड़ में। सो फ्रेंड, आज के इस फिर से वीडियो मैं बनाने वाला हूँ एक डिस्को लाइट, जो अमेजिंग वीडियो होने वाला है। सो फ्रेंड, इसमें मैं यूज किया हूँ दो लेजर लाइट और एक गेयर मोटर। सो फ्रेंड, इसको बनाने के लिए आप सभी को फुल वॉच करना होगा ये वीडियो को। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इसको बनाने के लिए फिर से एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना होगा, उसके बाद एक कैसेट। सो फ्रेंड, इस कैसेट को कुछ हम इस तरह से चिपका लेंगे। सो देख सकते हो, कुछ मैंने इस तरीके से इसको फिट कर लिया है कार्डबोर्ड के टुकड़े में। सो फ्रेंड, एक और कार्डबोर्ड को लेकर एक बॉक्स की तरह हम सब बना लेंगे, उसे भी मैं ग्लू की सहायता से इसको चिपका ले रहा हूँ। सो फ्रेंड, ये चिपक गया है आसानी से, और इसको हम फिर से लगाएंगे इसके मिडिल पॉइंट में। सो फ्रेंड, इसको भी ग्लू से लगाकर इसके मिडिल पॉइंट में चिपका लेंगे। सो फ्रेंड, इसको मैं चिपका लिया हूँ, इसके ऊपर वाला हिस्सा को भी कवर कर लेंगे कार्डबोर्ड की सहायता से। सो फ्रेंड, चलिए लगा लेते हैं इसको। अब इसके बाद गाइस, आप सभी को एक ज़रूरत पड़ेगी एक गेयर मोटर की। सो फ्रेंड, मैंने ये वाला गेयर मोटर को ले लिया है, और इसको भी हम कुछ इस तरह से इसके ऊपर में चिपका लेंगे। सो फ्रेंड, मैंने अच्छे तरीके से इसको चिपका लिया है, आप सब देख सकते हैं। सो फ्रेंड, चिपकाने के बाद आप सभी को दो लेजर लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, मैं ये लेजर लाइट को मार्केट में परचेज़ किया था, ये आसानी से मिल चुका था मेरे को, आप सब भी ले लेना। और इसके बाद गाइस, आप सभी को ये वाला स्टिक लेना पड़ेगा, जो आइसक्रीम वाला रहता है ना वही। सो फ्रेंड, इसको लेकर हम लेजर लाइट को लेंगे, उसके बाद इसमें मार्किंग कर लेंगे ताकि होल कर सके। तो फ्रेंड, मैं मार्किंग फटाफट से कर ले रहा हूँ, उसके बाद आप सब भी मार्किंग करके कर लेना। सो फ्रेंड, मार्किंग करने के बाद आप सभी को इसमें होल करना पड़ेगा। सो फ्रेंड, मैं होल करने के लिए इसमें सोल्डरिंग आयरन की सहायता लूँगा, आप सभी सोल्डरिंग आयरन से छेद कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मैंने कर लिया है दो छेद, आप सभी कर लेना। सो गाइस, छेद करने के बाद दोनों लेजर लाइट को इस छेद में लगा लेना होगा कुछ इस टाइप से। तो फ्रेंड, इसमें ग्लू लगाकर इन दोनों को फिक्स कर लेंगे लेजर लाइट को। तो फ्रेंड, इसमें ग्लू लगा लेंगे अच्छे तरीके से ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए हिले डुले ने। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से फटाफट से इन दोनों में ग्लू लगाकर इसको फिक्स कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड, मैंने अच्छे तरीके से इन दोनों को फिक्स कर लिया है, उसके बाद इसमें बीच में आप सभी को एक पेंट का टुकड़े को लगाना होगा, जो गेयर मोटर के शाफ्ट में लगेगा। सो फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से आप सभी को लगा लेना है। तो फ्रेंड, मैंने अच्छे तरीके से इसको लगा लिया। तो फ्रेंड, इसके बाद आप सभी को एक लिथियम आयन बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा। सो फ्रेंड, इसको चलाने के लिए मैं लिथियम आयन बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, आप सब भी कर लेना ताकि इसका बैटरी बैकअप अच्छा रहता है, लाइफ टाइम चलेगा। सो फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से सभी का कनेक्शन कर लिया, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और फ्रेंड मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ आप सभी के लिए। तो फ्रेंड, इसका कनेक्शन मैं जल्दी से कर ले रहा हूँ फटाफट से, आप सब भी ये काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, इसका कनेक्शन करने के बाद आप सभी को इसको टेप से कवर कर लेना होगा। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से इसको भी टेप से कवर कर ले रहा हूँ, तब तक आप भी कर लेना। सो फ्रेंड, मैंने इसको सोल्डरिंग आयरन से सोल्डिंग नहीं किया है, क्योंकि मेरा सोल्डरिंग आयरन को मेरा एक फ्रेंड ले गया था। तो फ्रेंड, इसके बाद आप सभी को दो रबर बैंड और कुछ लकड़ी के टुकड़े को लेना पड़ेगा, और इस दोनों लेजर लाइट के ऊपर में इसको लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये क्या काम करेगा ये कि इसमें जो स्विच रहता है वो ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता, इसको दबाना पड़ता है, तो इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, इसलिए इसको लगा रहा हूँ। सो फ्रेंड, इसको कुछ इस टाइप से आप सभी को लगा लेना है, देख सकते हो आप सब, मैंने कुछ इस तरीके से इसको लगा लिया है, और इसको आगे करने पर ये लेजर लाइट ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड, अब इसके बाद इसको चला कर देखते हैं। तो फ्रेंड, ये अच्छे से घूम रहा है और अच्छे से काम भी कर रहा है। तो गाइस, इसके बाद आप सभी को लेजर लाइट ऑन कर लेना होगा, और देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड, मैंने लेजर लाइट को ऑन कर लिया है, और देखते हैं घुमाकर इसको कैसा दिखता है इसको। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप चलते हैं बटन ऑन करते हैं, देख सकते हो आप सब कैसा लग रहा है इसको। सो फ्रेंड, आप सभी को अंधेरे में दिखाते हैं कि अच्छे से वर्क कर रहा है। देखो गाइस, ये बहुत अमेजिंग दिख रहा है, और काले में तो बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि इसका फ्लेस बहुत दूर दूर तक जाता है। तो फ्रेंड, आप सब भी इसको बना सकते हो डेकोरेशन लाइट की तरह। तो फ्रेंड, आप चलते हैं इसको
क्या बोलते हैं RGB लाइट को चला कर देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड इसका RGB लाइट को ऑन कर लिया हूँ और देखते हैं इसको भी घुमा कर, इसका भी RGB लाइट को ऑन कर लिया हूँ। अब देखते हैं ओ भाई कितना अमेजिंग दिख रहेगा इस, आप सब भी इसको बना सकते हो। सो गाइस आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट प्लीज़ कर देना ताकि अगले वीडियो में आप सबके लिए एक और अच्छे से वीडियो बना सकूं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।